इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। इंदौर शहर के जुनिंदौर थाना क्षेत्र में एटीएम को तोड़कर ले जाने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। इस मामले में जब पुलिस को जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत आरोपियों के फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। दरअसल घटना दो दिन पूर्व की है, जहां रात में कुछ बदमाशों ने टावर चौराहा स्थित एक एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया। यूनियन बैंक का यह एटीएम क्षेत्र के कॉइन प्लाजा स्थित बिल्डिंग में लगा था। एटीएम में लगे कैमरे में बदमाश कैद हो चुके थे। उसमें नजर आ रहा था कि बदमाश एटीएम को नुकसान पहुंचाकर तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदमाश इसमें सफल नहीं हो पाया। आखिर में वहां से फरार हो गए। जब इस घटना की जानकारी बैंक कर्मचारियों को लगी तो उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस को की, जहां पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये जानकारी में आया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारे यहाँ टावर चौराहे पे एटीएम है, उसमें अभी कुछ दो तीन दिन पहले उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, अज्ञात लोगों के द्वारा। तो हालांकि अभी हमारे पास बैंक की तरफ से अधिकृत कोई सूचना नहीं आई है, पर जैसे सूचना आती है तो उसमें हम आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे।